हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ये सैमसंग का मैंने ये एसी बाय किया है और ये इन्वर्टर सीरीज़ है और ये आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल एसी है। ये दूसरे जो एसी होते हैं बॉक्स टाइप के, ये उससे काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। और ये इन्वर्टर है, मैं ये दिखाता चलूँ, ये डिजिटल इन्वर्टर एसी है और ये सैमसंग का डिजिटल इन्वर्टर लेटेस्ट सीरीज़ है। और ये ट्रायंगल है, मतलब कि ये दूसरे एसीयों से काफ़ी मुख्तलिफ है। मतलब कि जो दूसरे एसी होते हैं वो आपको ज़रा बॉक्स नुमा दिखेंगे, लेकिन ये ज़रा ट्रायंगल नुमा है, ये बॉक्स नुमा नहीं है। इसको मैंने क्यों परचेज़ किया है और क्या वजह है कि इसको परचेज़ किया है, दूसरे एसी क्यों परचेज़ नहीं किए? एक तो वजह यह है कि ये सैमसंग का है, मैंने ये पाकिस्तान से लाहौर से परचेज़ किया है, लाहौर की मार्केट से परचेज़ किया है, कैलरी ग्राउंड पे जो सैमसंग की ब्रांड शॉप है, ऑफिशियल ब्रांड शॉप है सैमसंग की कैलरी ग्राउंड में, तो ये वहाँ से मैंने परचेज़ किया है। और वजह क्या है सैमसंग का ही लेने के लिए, मैं ग्री का क्यों नहीं ली, मैंने क्यों नहीं लिया? और ग्री के अलावा पैनासोनिक थे और उसके अलावा ग्री था, चेंगरोबा था, और भी बड़ा ऑप्शन था, हायर था, एलजी था, ओरियन था। सबसे जो बड़ा रीज़न है सैमसंग की चीज़ लेने की, उसकी वजह ये है कि ये जो सैमसंग का ये जो पूरा एसी है, एक तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, मैं आपको दूर से भी दिखा दूँ, ये 1.5 टन का है, 18,000 BTU, ठीक है, तो ये 1.5 टन का है। और ये जो कमरे का साइज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस कमरे में लगा हुआ है, इस कमरे का जो साइज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उस कमरे का ये जो साइज़ है, ये तकरीबन 18 बाई 18 का है, 18 विड्थ है, मतलब किसकी चौड़ाई है, और फिर 18 इसकी लंबाई भी है, हाइट इसमें इंक्लूड नहीं है, हाइट तकरीबन इसकी 12 या 13 फीट है। और ये एसी जो है तकरीबन 1.5 टन का, इसके लिए बहुत बेहतरीन है, इस कमरे के लिए। एक्चुअली ये इस वक्त राइट नाउ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रहा है, तब भी इसने पूरे कमरे को चिल किया हुआ है। और इन्वर्टर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसने कितनी बिजली कंजप्ट की है अभी तक। मैंने इसको अभी तकरीबन 24 घंटे ऑनवर्ड चलाया है, और 24 घंटे चलाने के बाद बगैर लगातार रुके लगातार मैंने इसको 24 घंटे चलाया है, और उसके बाद कितना इसने बिजली खाया है मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि इससे आपको रहनुमाई मिले और आप एक अच्छी प्रोडक्ट की तरफ जाएं, और ज़रूरी नहीं सैमसंग ही हो, लेकिन वो तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि मैं आपको बताऊंगा इसमें कि सैमसंग के किस तरीके से मैंने ये क्यों बाय किया है। एक तो वजह ये थी कि सैमसंग के जितने भी एसी हैं, ऑलमोस्ट जितने भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, इंडिया में भी ऑलमोस्ट के जो पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट वो कोरियन होते हैं, साउथ कोरियन पार्ट्स होते हैं, और ये असेंबल भी ऑलमोस्ट थाईलैंड में या फिर ये कोरिया में होते हैं, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये सर्किट ब्रेकर है, ये मिस्टर बुशी का सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। और ये पूरा सेट लगवाया था मैंने, ये सर्किट ब्रेकर इसके साथ नहीं आता है, ये सेपरेट से होता है। इसके साथ आपको सिर्फ वायर मिलती है, वो भी ब्लैक कलर की, जो वाइट कलर की वायर है ये भी मैंने खुद लगवाई है। और कूलिंग बहुत अच्छी है इसकी, आप तकरीबन 1 घंटे में आपका पूरा कमरा चिल कर देता है, 18 बाई 18 का कमरा है, अगर आपका उससे छोटा कमरा है तो डेफिनेटली बहुत जल्दी चिल कर देगा। और ये डिजिटल इन्वर्टर है, सबसे बड़ी इसकी जो खासियत है वो डिजिटल इन्वर्टर है, ये ऑटोमेटिकली कमरे के टेम्परेचर को सेंसर इसका डिटेक्ट करता है, सेंसर बिल्कुल इसके ऊपर लगाया है जो आपको बिल्कुल साइड पर करके नज़र आ रहा है, ये ब्लैक सा करके बीच में गोल सा राउंड सा, ये इसका सेंसर है। और मैं ज़रा आपको डिटेल से चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए ये इसका सेंसर है और ये इसके फिल्टर लगे हुए हैं, ठीक है, और बड़ा ही बेहतरीन सिस्टम है इसका। और ये सैमसंग का डिजिटल इन्वर्टर है, न्यू टेक्नोलॉजी लेटेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। इसमें सिंगल यूज़र भी है और डबल यूज़र भी है, सिंगल मतलब कि अगर आप सिंगल मोड पे इसको चलाएंगे
तो मैं भी आपको इसके रिमोट पे भी दिखाऊंगा। सिंगल यूज़र का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको सिंगल मोड पे भी चलाएंगे, सिंगल यूज़र पे भी चलाएंगे, तो ये बिल्कुल पूरे कमरे को जिस तरह कूलिंग करता है वैसे नहीं करेगा। ये बिल्कुल मिड से इसकी एयर निकलेगी, और जैसे कि कोई 1-2% नीचे बैठे हुए हैं सोफ़े पे या किसी जगह पर बैठे हुए हैं, तो ये उनको कूलिंग देता है, पूरे कमरे को कूलिंग नहीं देगा। और इसमें काफ़ी मोड्स हैं, जैसे कंफर्ट मोड है इसमें, अभी ये क्वेट मोड पे चल रहा है, और आप महसूस कर सकते हैं इसका नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं है। ये इस टाइम चल रहा है और ये क्विट मोड पे चल रहा है और उसका नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं है। और स्पेशली जो के यूट्यूबर्स होते हैं जो वीडियोस बनाते हैं, तो इस पर्पज़ के लिए आपने कमरे में लगाना है तो उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है। पाकिस्तान के मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो नियरली जो मैंने बाय किया है ये 94 का है, 94K। ओके, और इंडियन प्राइस में डेफिनेटली कम होगा। इंडियन में आई थिंक इसकी प्राइस होगी 67 के राउंड अबाउट होगी। थोड़ा सा महंगा है, एक्सपेंसिव है, पर एक बात मैं आपको ज़रूर कहना पसंद करूँगा कि बहुतों से काफ़ी अच्छा है। मतलब कि आप कोई और कंपनी चाइनीज़ लें, उससे अच्छा आप कोरियन कंपनी है, बहुत बेहतरीन है। कंपनीज एक्चुअली कहीं की भी हो, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। और मैंने 1 से 2 दिन में फील किया है इसकी कूलिंग बहुत ठंडी है। इवन मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी रिमोट पे रखा हुआ है इसके ऊपर, मे बी अब आपको क्लियर हो जाए, आपको हल्का सा नज़र आ रहा होगा, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसके ऊपर लिखा हुआ है। और मैं ज़रा इसको दूर से करता हूँ, ठीक है, यानी कि 25 पे इस टाइम ये चल रहा है और बड़ा बेहतरीन चल रहा है। मैं भी इसका आपको आउटडोर भी दिखाऊंगा और इसकी जो पीछे से वायरिंग जा रही है सारी वो भी दिखाऊंगा। और मतलब कि बहुत बेहतरीन है, मुझे तो इसमें कोई अभी तक इशू नहीं है दिखा। और यूनिट की कंजप्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी तक इसने हर घंटे में 1 घंटे में 1 यूनिट के हिसाब से कंजप्शन जाती है। और वो इसकी नहीं, खाली पूरे घर की है, उसमें फ्रिज भी इंक्लूड है, फैंस भी इंक्लूड हैं, और उसके बाद इस्त्री भी इंक्लूड है, और बाकी दूसरे कमरे के लाइट्स, एनर्जी सेवर्स, तमाम चीज़ें इंक्लूड हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर पूरा घर इतनी उठा रहा है, खाली 1 घंटे में 1 यूनिट उठा रहा है, और तो इसका मतलब ये तकरीबन तकरीबन खाली ये एसी जो है, यहाँ तो ये 0.6 उठा रहा है या फिर 0.7 उठा रहा है, 0.6 या 0.7 ही उठा रहा है, क्योंकि बाकी घर की चीज़ें भी सेम मीटर पे हैं। तो बहुत बेहतरीन है, मतलब कि 1 यूनिट भी पूरा नहीं उठा रहा। आप ये समझ लीजिए कि 0.6 और 0.7 खाली ये आपका एसी उठाएगा, यानी कि एक यानी कि 0.25 यूनिट उठाएगा, 1 यूनिट भी पूरा नहीं उठाएगा, तकरीबन मैक्सिमम 0.25 यूनिट उठाएगा। तो बहुत बेहतरीन है इस लिहाज से। तो मैं आपको इसका आउटडोर भी दिखा देता हूँ, इसका आउटडोर भी ज़रा प्रीटी बिग, यानी कि थोड़ा सा बिग है दूसरों के नस्बत, थोड़ा बिग है। मतलब कि मैं आपको दिखाता हूँ, उसका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 60 kg जो मैंने फील किया है, बट मुझे उसका एक्यूरेट नहीं पता। मैं आपको ज़रा इसका आउटडोर दिखाता हूँ, आउटडोर है इसका, आप देख सकते हैं ये 1.5 टन का है, और इसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मतलब कि दूसरों से अगर देखा जाए दूसरों के नस्बत। और इसकी नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं, अभी ये चल रहा है लेकिन इसकी नॉइज़ आवाज़ नहीं है, ये इसका बड़ा फायदा। ये इसकी वायरिंग है जो अंदर हुई है, मैं आपको ज़रा दिखाता चलूँ, ये बाहर जा रही है और ये इसकी अंदर तक वायरिंग हुई है। ये पाइप मिलता है इसके साथ, आप देख सकते हैं ये पाइप है, ये इसके साथ ही मिलता है। ये इसका एयर कंडीशन का वो है जिसमें स्प्लिट एयर कंडीशन आया था, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये इसके आउटबॉक्स का है, इसमें इसका जो आउटडोर था एयर कंडीशन का वो इसमें आया था। मैं ज़रा इसमें दिखा दूँ आपको, हाँ ये सारा तो खैर खाली हो गया है, आउटडोर निकाल लिया इसमें से, और बाकी ये एक्चुअली हमने जो खोला था सीधा खोला था, मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ, ये इसमें अभी भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे कि इसका ये जो रैपर होता है, मैं आपको दिखाता चलूँ, जैसे कि ये आपका इसका रैपर है, और उसके अलावा बाकी सारा थर्मापोल पड़ा हुआ है, बाकी सारा ये थर्मापोल है, ठीक है।
इसमें ये आया था और आप देख सकते हैं कि बड़ा ही बेहतरीन सिस्टम है। मैक्सिमम ये इसका इन्होंने वेट भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये कि आई थिंक पाउंड्स में लिखा हुआ है ऊपर आईबी में और नीचे केजी में। वेट पे जो स्पेसिफिकेशन दी होती हैं ये इस स्प्लिट एसी के बिल्कुल साइड पे दी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। मैं भी आपको सही ना दिख रही हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी ऊपर तक इसको कैमरे को किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है और डेफिनेटली इस पे लिखा होगा मेड बाय सैमसंग। आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। और यूनिट की कंजप्शन मैंने खुद ली है, वो भी शायद मैं आपको दिखा देता हूँ। यूनिट की कंजप्शन शायद मेरे मोबाइल में स्क्रीनशॉट्स होंगे, स्क्रीनशॉट्स के थ्रू दिखाना ठीक रहेगा। ओके, ये यूनिट जो थे आप देख सकते हैं लास्ट में 276.9 आई थिंक लिखा हुआ है, और ये था 2769 लिखा हुआ है। ये मैंने 24 घंटे पहले लिया था, ठीक है, और अब का भी दिखा देता हूँ मैं आपको, दिखा देता हूँ। ये देखें 1495, 1.35, ठीक है, ये इसका लेटेस्ट स्क्रीनशॉट है। और अब आप खुद ही लास्ट डिजिट्स जो हैं वो 5.1.32 और बाकी जो पहले आपने देखे हैं उनको आप माइनस कर लें तो आपके सामने आ जाएगा तकरीबन 23.63 समथिंग। तो ये जो 23.63 है ये जो आपको दिख रही ये जो फिगर आएगी कि 24 घंटे की है, ठीक है, 24 घंटे में आपका तकरीबन इतना कंज्यूम हुआ है और 24 घंटे में तकरीबन 23.63 कंज्यूम हुआ है। और उसमें खाली एसी नहीं चला, काफ़ी चीज़ें चली हैं, मतलब कि फ्रिज है और एनर्जी सेवर्स हैं और उसके अलावा फैंस शायद एक आध है, बाकी नहीं है। एनर्जी सेवर्स हैं, फ्रिज भी चला है, इस्त्री भी चला है, बाकी वो तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। तो बहुत अच्छा रिव्यू है इसका, मतलब कि हम अभी तक बहुत सेटिस्फाइड हैं इससे। अच्छी बिजली की कंजप्शन है और बिजली की काफ़ी सेविंग है। ओवरऑल द रेटिंग मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिए हैं, इवन मीटर्स तक के स्क्रीनशॉट दिखा दिए हैं, आप देख सकते हैं। आई थिंक ब्लर होगा लेकिन फिर भी आप एवेल्युएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू इसके लिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई चीज़ आपने पूछनी हो, कोई किसी किस्म का सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आई पर्सनली रियली रिकमेंड यू दिस वन, सो बिकॉज इट हैज़ रियली रियली फैसिनेटिंग स्टफ।